मुल्तान की मारूफ गुलूकारा सुरैया मुल्तानिकर, जनूबी पंजाब की अजीम गुलूकाराओं में आप अपना ही मकाम रखती हैं। आपने क्लासिकी मौसीकार सारंगी नवाज उस्ताद गुलाम नबी खान की शागिर्दी इख्तियार की। 1956 में रेडियो लाहौर पाकिस्तान में ऑडिशन दिया और तब से कामयाबी आपका मुकद्दर बनी। फिर कराची किया और पेशावर किया और ढाका किया, फिर आपने हर जगह अपना जो है क्लासिकी से जादू जगाया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। सबसे पहले तो मैं खुशनसीबी महसूस कर रही कि मैं आपसे मिली हूँ। अरे अल्लाह आपको खुश रखे। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से आपने शुरू किया प्रोग्राम और कैसे आप पजीराई दे रही हैं आर्टिस्ट को, ये बहुत कम लड़कियों में ये होता लेकिन है। लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है जो आपकी खिदमात है हमारे मुल्क के लिए, फिर जो आर्ट है उसके लिए, फिर लोकगीत, पता नहीं क्या क्या। आपका ये मुल्क तो है, वो गिने चुने लफ्ज हैं जो मैंने कह दिए लेकिन तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। और आपका मुल्क है तो मेरा भी तो मुल्क है ना। बिल्कुल हाँ, मैं तो पक्की पक्की बुढ़ापे तक पाकिस्तानी। अरे किसने कह दिया आप बूढ़ी हो गई हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। अब आपका अंदाज़े कलाम है वो बहुत अच्छा है बेटे, और ऐसा होना चाहिए जब आप किसी आर्टिस्ट का ले रहे हैं तो उसको छेड़ें, उसको उकसाएं कि वो बोले, अपने बारे में बताए। वो ऐसे प्यार मोहब्बत के अल्फाज होते हैं जो हम आर्टिस्टों को राम करते हैं, सुकून भी देते हैं और मोहब्बत भी, बात करने को भी जी चाहता है। वो कहते हैं ना कि अगर तबीब मीठा बोले तो मरीज ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, बस वही बात। अब फिर बात आपने जब कहा कि ना सुने बात है सब, तो मैं तो सबसे पहले यही ख्वाहिश करूंगी कि आप मुझे उस ऑडिशन के बारे में बताएं कि वो क्या जादू चलाया उस ऑडिशन में आपने। हमीद साहब थे प्रोग्राम मैनेजर, शायद उससे भी कुछ बड़े हों, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था कौन डायरेक्टर है, कौन कुछ है, कौन कुछ है। और एक अमीन साहब थे, वो भी बहुत समझदार थे, सबसे सवालात उन्होंने ज़्यादा किए क्लासिकल के बारे में। हाँ, अब आप हमें क्या सुना रही हैं? मैंने कहा जी जौनपुरी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि पहले इसके वो बताएं कि ये संकीर्ण है संपूर्ण है। अच्छा। और इसमें क्या कितने कोमल सुर लगते हैं और कितने तीवर लगते हैं, मतलब उन्होंने कहा पूरी इसका स्टडीज बता दें क्या क्या है। और वो बताया मैंने। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि ख्याल अस्थाई, मैंने कहा जी अस्थाई ख्याल सुनाऊंगी, पहले अस्थाई फिर ख्याल। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ख्याल सुनाएं थोड़ा सा अस्थाई, ये उसके बाद किस ताल में सुनाएंगी? तो मैंने कहा झुमरे में। उसकी एक के हमारी लुगत में होता है, उसकी हम क्या देते हैं धाटे कितने दिन इसे मात्र, ऐसे मात्रे गिनते हैं हम उसके, और इतने मात्र हैं इसके, 16 है या 14 है या फलाना है, 10 है या 12 है या ऐसे सब 11 है। तो फिर उन्होंने कहा कि शुरू कीजिए। फिर मैंने कहा पहले अस्थाई गाई, कर्म करो मोपे साई साई, तो उसने मेरी कर्म करोगे मोपे साई, कर्म करोगे। यस सर, ये थी अस्थाई। मैं हैरान पता क्यों हूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। अल्लाह आपको, लेकिन जीती रहे। इस एज में, हालांकि एज इज जस्ट अ नंबर, अभी आपने कहा है कि मेरी एज ज्यादा बूढ़ी नहीं है, ज्यादा नहीं, लेकिन अब तक आपका वो कंट्रोल है अपनी आवाज पे, माशाल्लाह, वो देख के मैं हैरान हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, कुछ सुनती जाऊँ सुनती जाऊँ सुनती। अच्छा, मुझे ये बताया कि जब 1960 और 1970 के दरमियान आपको परफॉर्मेंस का मौका मिला मुल्क में भी, फिर बैरूनी मुल्क, तो फिर क्या हुआ? कि उस वक्त बड़ा म्यार था, है ना, जब ये दौर था गाने का, तो उस वक्त गाने का म्यार था और गज़ल का भी म्यार था, काफ़ी का भी म्यार था, हर चीज़ का एक गाने गीत का भी। बिल्कुल, अब ना शायरी का म्यार है, ना सुर का, ना ताल का, ना मेरे बच्चे तरस का जिसे ट्विन कहा जाता है, वो भी मेरे बच्चे ने। और फिर मैंने वो ही गाया, भड़क जाएगी आग, जल जाएगा दिल, निगाहें मिलाने की कोशिश न करना, बड़े मुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना, बड़े बेमुरव। फिर इसको देख के बादशाह, इसकी मकबूलियत को देख के, क्योंकि रेडियो पिंडी का वो सारा इंतज़ाम था, तो उसी में वो सारा
उन्होंने कर लिया ना वो प्रोग्राम जितना भी था उनके पास महफूज था। फिर वो बात एक दिन उन्होंने कोई 10-12 दिन के बाद वो बजाया, अच्छा। तो उसमें ये गजल भी थी, तो फिर इसकी इतनी फरमाइशें आईं कि ये वक्त चलता ही रहा। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे इतनी अपनायत हुई, और ये सिर्फ कैमरे पे नहीं है व्यूअर्स, जब मैं आई हूँ इनके साथ बैठी हूँ तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत से पहली दफ़ा मिल रही हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे, आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और ऐसे ही गाना गाती रहे। अच्छा, मेरा भी दिल यही है, गाना मैं ऐसे गाती रही हूँ। गाना मेरी ज़िंदगी है, मैं छोड़ दूँ तो मैं उदास हो जाती हूँ, बीमार हो जाती। नहीं, आप ऐसे ही गाते रहे, आपने गाते रहना है। और मेरी राहत बेटी का इसमें बड़ा हाथ है कि तू मुझे गवाती है इस उम्र में। अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश यही थी कि अम्मा जान और बेटी जान दोनों साथ में बैठे, लेकिन वो मेहमानों में मसरूफ थी, लेकिन मेरे इसरार पे उन्होंने बुलाया और उसके लिए तो सबसे पहले शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहत बानो। मैं बल्कि यही कहूँगी कि जो मैंने बहुत सुना है पीलू पक्कियाँ और दोनों को गाते हुए भी सुना है, तो अभी मेरी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, अब दूसरी होने जा रही है। इतना खूबसूरत, और दोनों का जो मिलके वो केमिस्ट्री है वो भी इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह। अल्लाह ताला माँ बेटी को ऐसे ही हमेशा सलामत रखे और ऐसे ही आप मुस्कुराहटों के साथ गाती रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त ये मेरा बन गया और ये मेरी इतनी खूबसूरत कीमती याद बन गई आप लोगों के साथ। मुझे भी बहुत खुशी कि आप जितनी लड़की इतना अच्छा हमारा वो कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रही हैं, मेरे बच्चे हंसते मुस्कुराते और वो पक्के पक्के सवाल करें जो हमारे हैं। अब कभी तो पूछने लग जाते हैं आप हांडी कैसा पकाती हैं, आप सालन कैसा पकाती हैं। अरे भाई, मेरा तो काम गाना है। यानी आज मैंने आपका दिल खुश कर दिया, मुझे खुश किया। अब आपने मेरे लिए दुआ करनी है। मेरे दिल से दुआ निकल रही है। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के लिए भी बहुत दुआएं। सब बहुत खुश रहे सारे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।